यात्रा, जन संघर्ष यात्रा अजमेर में शुरू की थी, जयपुर पहुंचने वाले हैं। सचिन, 4 दिन पहले ये यात्रा शुरू हुई है, अगर अचीवमेंट की बात करें, आपने क्या पाया है इन 4 दिन में? एक टैन के अलावा एक दिन के समय में इस यात्रा का आगाज किया, 9 तारीख को घोषणा करी, 11 तारीख को मैं सड़क पर निकला। जन संघर्ष यात्रा प्रीति किसी के खिलाफ नहीं है, मुझे लगा कि जो इश्यूज जनता के जहन में है, पब्लिक की आवाज़ है, वो हमें सुननी चाहिए और जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करनी चाहिए। नौजवानों के इश्यू, करप्शन के इशू, बहुत लोगों के अंदर एक जज्बाती इशूज़ हैं और ये यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को मिल रहा है। इसलिए इस सिलसिलाती गर्मी में पैरों में लोगों के छाले पड़ रहे हैं, लोग चल रहे हैं, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, मुझे लगता है कि इन इश्यूज को लोग चाहते हैं वो टेकअप हो और इस पर कुछ कार्रवाई हो। सचिन, एक बात आपको आपने सत्य कही है, चिलचिलाती धूप है, 45 डिग्री तापमान है, 25 किलोमीटर आप हर दिन चल रहे हैं, अजमेर से शुरू हुए थे, जयपुर पहुंच रहे हैं, सियासी तापमान, जयपुर का सियासी तापमान जब तक जयपुर पहुंचेंगे कैसा लग रहा है? मैं 2-5 दिन गर्मी में चल लूं ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ये पीड़ा का विषय नहीं है। जिन बच्चों ने 1-2 साल मेहनत करी, जिनके माँ बाप ने पेट काट के उनके ट्यूशन कोचिंग के लिए पैसे खर्च किए, किताबें खरीदी, किराए के मकान में रहे, वो पेपर लिखते हैं, पेपर लीक होता है और फिर पेपर कैंसिल होता है, उनके अरमान में पानी फिरता है, उन पे क्या पीड़ा होती है वो हमें सोचना चाहिए और उन लोगों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उन लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा। जब तक वो उनका जो सिस्टम में व्यवस्था में अगर आस्था खत्म हो जाएगी तो फिर नौजवानों का भविष्य अंधेरे में अटक जाएगा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। सचिन, मैंने सियासी तापमान की इसीलिए बात की क्योंकि आप कह रहे हैं ये यात्रा किसी की तरफ नहीं है, गहलोत साहब की तरफ नहीं है, पर माना जा रहा है आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, आप बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, पर आपका निशाना अशोक गहलोत है, निशाना अशोक गहलोत है। मैंने सियासत की बात ही नहीं करी, मैंने कहा जो हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाए वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जमीन घोटाले, शराब घोटाले, भू माफिया, खान घोटाला, उस पर जांच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये समझ से परे है। 1.5 साल से मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही और अब सफाई देने की वजह नहीं है। 6 महीने में चुनाव है, पब्लिक के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे? सियासी तापमान एक और बारे में आप कह रहे हैं कि आपने अशोक गहलोत के बारे में कुछ नहीं बोला। सचिन, 4 दिन पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने सादा सादा कहा कि अशोक गहलोत की लीडर वसुंधरा गहलोत है, सोनिया गांधी नहीं है और वो इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं करप्शन पे, तो निशाना तो अशोक गहलोत ही हुए, उन्हीं की सीट में आप यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस के चुने हुए विधायकों को बदनाम करें और भाजपा नेता का गुणगान करें तो क्या समझना चाहिए? 25 सितंबर को सोनिया गांधी जी ने पर्यवेक्षक भेजे जयपुर में, उनके आदेशों की अवमानना हुई, उनके खिलाफ विद्रोह हुआ, षड्यंत्र रचा गया, इस्तीफे कराए गए, कांग्रेस पार्टी को सरासर इज्जत होना पड़ा, तो वहाँ पर अनुशासन और गुटबाजी वहाँ पर है। तो फिर अशोक गहलोत के खिलाफ यात्रा है? मैंने उनका नाम नहीं लिया, मैंने कहा जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार थे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सचिन, जब आप यात्रा के पहले जब आप अनशन पे बैठे थे, पार्टी ने सब कहा था ये एंटी पार्टी एक्टिविटी है, पार्टी विरोधी एक्टिविटी है, और आप यात्रा पे उतर आए। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, मैं करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना चाहती है, वही बात मैं कह रहा हूँ, विरोधाभास कहाँ पर है? और वसुंधरा जी के कार्यकाल के करप्शन की जांच मांगना कहाँ से एंटी पार्टी हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सचिन, सब एक सवाल पर आता है, सचिन पायलट साहब, सब एक सवाल पर आता है पायलट साहब, अगर अशोक गहलोत है वो कार्रवाई करते हैं तो आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं? मैंने पहले भी काम किया है, आगे भी करने को तैयार हूँ, लेकिन पब्लिक में हमारी विश्वसनीयता बनी रहे ये इम्पोर्टेंट है, लोगों को कहने का मौका न मिले कि कहीं कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, उस भावना को खत्म करना पड़ेगा। इससे एक और सवाल निकल के आता है पायलट साहब, क्या सचिन पायलट अगर अशोक गहलोत कार्रवाई करते हैं, क्या सचिन पायलट ये जो चुनाव आ रहा है 6 महीने में अशोक गहलोत के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ेंगे?
कौन चुनाव, ये निर्णय पार्टी का है किसके नेतृत्व में कौन चुनाव लड़ता है, किसको क्या पद मिलते हैं। मैंने हमेशा भाजपा को चुनौती देकर हराने का काम किया है, आगे भी करता रहूंगा। सवाल फिर से पूछूंगी, अगर पार्टी कहती है सच, अगर पार्टी कहती है, हाईकमान कहती है कि ये चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये निर्णय आपको ये तो निर्णय आपके हाथ में नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? अगर पार्टी कहती है, अगर पार्टी क्या निर्णय लेती है, तैयार है? मैं कह रहा हूँ पार्टी का निर्णय पार्टी करेगी, आप और मैं नहीं कर सकते। सचिन जी, पार्टी इसको एंटी पार्टी एक्टिविटी क्यों ना सोचे, हाईकमान हाईकमान इसे पार्टी विरोधी आपको क्यों ना समझे, क्योंकि कर्नाटका के चुनाव के एक दिन पहले जब मतदान होने वाला था तब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब आप कहते हैं आप ये यात्रा पे उतरेंगे, क्या ये एंटी पार्टी नहीं है? चुनाव कर्नाटका का था, सोचना चाहिए था आपको। कर्नाटक के चुनाव के मतदान से 3 दिन पहले अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाना, बेबुनियाद उनको बदनाम करना, क्या वो पार्टी अनुशासन में नहीं आता? तो अनुशासन सबके लिए बराबर है। किसने बदनाम किया आपको? प्रीति जी, मेरा इतना कहना है अनुशासन सबके लिए बराबर है। 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो अनुशासनहीनता थी, पार्टी ने नोटिस जारी किया, अब तक कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब पार्टी को देना चाहिए। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.